यो तो भाई जी आज जो यो धन्यवाद यात्रा जो चल रही है अभी की रैली है सुभगन जी चौधरी हासिल सराय डाही अभी धन्यवाद यात्रा संघर्ष समिति जो बनी विकास जी गिल रिंदर पुरो विजेंद्र जी ये सगड़ा ही है लगभग पुणिया जद अशोक गहलोत जी घोषणा कर दी मंत्री जी आपके लेटर पैड पर पहली लिख के दे दी कि भाई गुडन छोड़ दियो जा तो भी के बाद में सुभगन जी चौधरी आपके ढोल के लेके चल पड़िया बोले मुँह बचा दिया हनुमान चालीस भी पढ़ो बताऊ है ये यहाँ कहीं स्वामी बोले आके वो और पासे सुभगन जी गाँव गाँव हाँ ढूंढ के कर दे यहाँ धन्यवाद यात्रा आज या शायद समापन पर है सलसर और बड़ा गांव बच्चे है लास्ट है लास्ट कोई गांव में आएडा ही आ जा बाकी कोई बा माहौल वो तो देखो आदमी दे देख के बोट वगैरह तो भी हिसाब पड़े बोटिया कताक पड़या करे आगा आका पड़या करे 1800 1900 गेल्डे चुनाव में आका 1200 वोट पोल होया 1200 पड़ेगा अच्छा और मंत्री जी का आया राजेंद्र गुड्डा का 350 और कांग्रेस का आया 500 कांग्रेस का 500 वोट पड़ जाएंगे उधर हाँ 500 वोट तो कांग्रेस का ही पड़ेगा और मंत्री का गैल ना 350 वोट आया है हाँ अपनी वोट परसेंटेज बढ़ा को बढ़ा को तो चौधरी वाला तो आया कहें चौधरी का बढ़ेगा अब देखो देखो वो आप आपके नेता की जो सही कहे हैं बढ़ाई तो करें ही भाई सही बताओ मेल लगो इतना हो वो हो बाकी जो काम है और हैं बदेख की लोग जो काम हुआ है ना बीस साहब मतलब प्लस पॉइंट मंत्री प्लस वोट प्लस आऊंगा कि सुभगन जी ढोलगी लेके बाद में चलिया तो वह वह मंत्री जी तो मैंने पहले ही भेज दिया है बन लेटर पैड पर लिखने की जरूरत कर दाई वह पहले विरोध कर देता कि भाई इन उदयपुर गुड्डे क्षेत्र ने नीम का थाना नहीं मिलायो जा ना क्यों मिल तो या पोजीशन क्यों आई हाँ तो लेटर पैड पर लेटर पैड पर वह बाद में लिखने की नौबत क्यों आई वह पहले ही अगर विरोध कर देता तो जातो ही कोने गुड्डो ये तो सब दिखावा ही मंत्री जी का ये तो गुड्डे की क्षेत्र ने गुमराह करने को है कि भाई गुमराह कर दिया इन आप पहले इन ठिन कर दें और बाद में आप आइया कर देंगे और बया कर देंगे या संघर्ष समिति बनने के बाद में भी का माथा पर पसीनो आगो ना कि भाई जनता इकट्ठी होगी है विरोध करेगी जना लेटर पैड पर लिखने का भी रातों रात तरीका कर यार सगड़ा काम कर नहीं वो एक कर तो दो कर तो क्यों भाई साहब सही है क्या देखो वो तो है कि अधूरो ज्ञान हमेशा दिन गाल है भाई साहब आप अधूरो ज्ञान क्यों भाई मैंने न्यू बोला एक दिन बोलन थे तो तू बोले तो मुकद बोले अधूरो ज्ञान दिन गाल है जो लेटर पैड जो हो अब उदयपुर वाटी उपखंड मिलान की बात है अब गुड्डो क्षेत्र भी उदयपुर वाटी उपखंड में आवे तो मंत्री जी यह लिखी कि उदयपुर वाटी उपखंड में उदयपुर वाटी तहसील गुड़ा उप तहसील को मिला दिया जाए और गुड्डा जो तहसील है उसको छोड़ के ये है 24 जनवरी की शायद अपनी कॉपी उन्होंने दी थी जो ऑफिस कॉपी है उनके पास ये बोल रहे हैं भाई साहब कि बाद में लिखा है तो बाद में लिखा है तो सीएमओ से कॉपी ले लो ने ऑफिस कॉपी वो दिखा रहे हैं बाकी सीएमओ में उन्होंने जो भेजा वो कटवा लो आरटीआई से है ना और बाकी रही बात इसमें ये कि बेच दिया रही अगर मंत्री के पास इतना पावर हो सकता है वो जनता को बेच दे भाई आप आपको क्षेत्र अभी तो थोड़ा बहुत तो कर ही सके थोड़ा बहुत प्रशासनिक अधिकारियों में उल्ट फेर कर सकते हैं ठीक है क्या जितेंद्र सिंह एक मंत्री के बराबर पोस्ट नहीं रखते क्या सीएम सलाहकार हैं वो बिल्कुल उन्होंने नहीं दिया तो खेतड़ी को मिलाया पूरा जो चार गांवों के उन्होंने लिख के दी उनको छोड़ दिया तो इसमें ये तो कोई बात ही नहीं है कि उसने भेज दिया इसने ये कर दिया कोई मुद्दा नहीं था सुभगन जी के पास 4.5 साल में मंत्री जी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं था अचानक से कि गुड्डा वाला मुद्दा उठा इसको लेके इन्होंने हाय हल्ला किया वो भी साइलेंट हो गया कुलदीप जी रांका से जो वीडियो इन्होंने जारी किया था बात करते हुए उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये तो पॉलिटिकल वाली बात है गुड्डा तो वहीं रहेगा उसके बाद ये चुप हो गए फिर ये जो जिला की जो परिसीमन हुआ क्षेत्र हुए उसमें फिर ये लेके अपने भाई एक बात और भी है हाँ बोलो कि जो गुड्डा संघर्ष समिति बनाई तो भी कमाए सगली सगले मतलब लगभग पार्टियां ही वाको सहयोग हो गए हाँ हाँ लगभग पार्टियां फिर सरे अकेलो चौधरी साहब चौधरी साहब ने बुझो विजेंद्र जी इंद्रपुरा और विकास जी गिल्लर बतो बाहर गले हैं गल गल बेरो कोने तो चौधरी साहब बान शामिल क्यों कौन करो अगर तो धन्यवाद ही यात्रा है भी मंच पर बड़े बस बैठा तो आज बान शामिल लेके भी चालनो चाहे होने आपस की राड है संयोजक समिति नहीं बुलाई गई है जब जब जो आ रहे हैं ना संयोजक समिति को ही समान बैठे तो बस संयोजक समिति में कोने आगे सब हाँ जकी जगह जगह हाजिर ही बाको सम्मान है इतनी सी बात है मतलब और मैंने एक बात ये कहना चाहूँ कि दिल्ली में बाने आमंत्रण तो दियो पर आया कौन क्षेत्र को मालिक कौन हो आपने
देश को मालिक कौन है? एक प्रधानमंत्री को नहीं हो, अपनी विधानसभा क्षेत्र को मालिक कौन हो? नहीं फिर विधायक हो ना, एक आधो आदमी तो आवे, एक आधो तो आवे, काफी नेता है जब कदी ने 5000 आदमी भेड़ा होया ने गुड्डे के माय जब कदी ने 5000 आदमी भेड़ा होया 5000 होया 10000 होया 20000 होया कदी ने काफी बड़ा चर्चित चेहरा सामने आ रहा। बिल्कुल आ रहा ना स्टेज पर भी, हां बोल रहा भी, हां लेकिन आज भी सभा सभा हो रही ना, धन्यवाद सभा हो रही, आज भी धन्यवाद धन्यवाद की सभा हो रही ना, आ सभा के मायने और एक चौधरी साहब को गुणगान करे जा रहे तो एक बाबत के चौधरी साहब को ही कहे पूरी संयोजक समिति को सम्मान करे जा रहे। अजी से को चुनाव लड़ रहे, अभी कोई समाधान हो रहा है? अगर चुनाव में लड़ूंगा तो मेरे भी जगह जगह पैसा खर्च करोगे, अभी कोई समाधान हो लग जाए? नहीं बात तेरा चुनाव लड़ लिया भी लोग है, आप आपकी डपली ना लड़ लिया भी बात तेरा है भाई साहब, यही है फाइनल के आप आपकी डपली आप आपको राग है ना बठिन पवन माउंडी और विजेंद्र जी इंद्रपुरा तो आपकी नाके सभा करता अंडे हैं और अठिन चौधरी साहब अठिन नाके पंचायत में इलो जो बेल्ट है और इनमें मैं सिर्फ सीधो सो है कि वो जातिगत जो वातावरण है ना वो हो रहे जो देश में जो धीरे धीरे माहौल खराब हो रहे है जातिगत वातावरण जो इली पंचायत गुड्डा गई इली पंचायत जो जाट बेल्ट की पंचायत है लगभग वह पंचायत में चौधरी साहब आपका लेके चल पड़े और बठिन थोड़ा इंद्रपुरा बठिन अंडे थोड़ा सा बठिन राजनीतिक कुछ हो और क्या है? है और कोई बात ही नहीं है कहीं राजनीति के अलावा कहीं कोई बात है तो आप बता दो। हाँ जी बोलिया को नहीं हाँ जी क्या बताओ फिर मानने तो राजनीति के लागे बोलिया मान तो मैं तो एक संयोजक समिति को सम्मान कर रहा हूँ असल सर गांव के अंदर कर रहा हूँ अब भाई साहब ने लागे तो कोई दिक्कत को नहीं अगर अच्छा आप आपकी विचारधारा है अगर राजनीतिक स्टैंड नहीं है तो रघुनाथपुरा सभा में चौधरी साहब 19 सरपंचा ने चोर बताया बाकी का जो गुन्नी सा बन चोर बताया अच्छा। मतलब चौधरी साहब और चौधरी साहब के सागे जो 5 सरपंच है तो साफ है और बाकी का जो गुन्नी गुड्डा बचाण में वह भी है शामिल भाई वह भी गया एसडीएम साहब ने ज्ञापन दियो एसओडी से भी मिला फाइनेंस सचिव से भी मिला है बस चोर ही क्यों जी सही आ गया ना भाई मान तो सही लागे को ना भाई साहब कुछ भी कैस के इको मैं तो कहने जगह तो होगी यार तो सीधो तो कहते अब ये तो इल्जाम लगा दियो कि सिर्फ सुभगण जी को सम्मान है मैं यह कह रहा हूँ कि मैं संयोजक समिति को गुड्डा बचाओ संघर्ष समिति को सम्मान कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा और देखो वोट देना आपके हिसाब है कोई सुभगण जी के साथ में है कोई की के साथ में है भाई एक अलग चीज है तो अब कोई मत अलग कोई और दूसरों नेता की और उरे 5-4 गाड़िया काफी लगे सागा आ जा और वो या कह दे कि भाई मैं भी गुड्डन बचाऊं का मायना तो के भी को भी समान हो वो बेरो कौन के कौन हां कौन नहीं है वो बेरो है अन बेरो है तो संघर्ष समिति का कार्यकर्ता का नाम पूछ लियो अन सगलो बेरो है तो अन पूछ लियो कौन तो यो लिख की दियो कि भाई मेरे को कोई आपदा नहीं है उदयपुर वाटी को शामिल कर दी जाए नील के थाने के अंदर ये सारी जनता को पता है। अच्छा अच्छा और किसने धरना प्रदर्शन किया था ये भी सारी जनता को पता है नाम लेने की किसी को कोई जरूरत नहीं है सारी नहीं, नाम तो मैं बता दे 5-4 का तो एक ही गुनिया रेडे तो है तो कोई कोई काम हो जाए कोई कोई काम हो जाए ना हो तो कोई पर्सनल सारा थोड़ी काम हो जाए एक दिन हो जाए दो दिन हो जाए सभा तो चलता है कई काम कई दिन होगा चलता कई दिन होगा लेकिन कोई अड़ेता नहीं कोई बैनर लगे हो शुभ गण चौधरी का सम्मान किया जा रहा है गुड्डा बचाओ संघर्ष समिति का अभिनंदन किया जा रहा है सारा झंडा लग रहा है बीजेपी का लग रहा है तो गुड्डा बचाओ में सिर्फ बीजेपी थोड़ी भी का माइंड है और भी कोई होगो कोई कांग्रेस को होगो कॉमरेड होगो और भी आगे भाई साहब तो बीजेपी जी मैन पोस्ट देखो ना भाई साहब मैं बीजेपी के साथ में आ तो कोई का कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कोई के साथ में कोई के साथ में लेकिन जो मैन पोस्ट लाग रहे हैं ना बीजेपी का समर्थन बीजेपी का झंडा क्या बताओ आप बताओ थे क्या पूछना था भाई साहब जो सवाल करियो वो हाँ बताओ तो ये बीजेपी का समर्थक है मैं एकदम निर्दलीय न कांग्रेस न बीजेपी मेरी बात सुन एक मिनट मंत्री जी पहली बार है ना सौ पहले मंत्री जी को ही जो काम आएड़ो कि भाई लिख के दी कि गुड्डा ना गुड्डा गुड्डा निमका थाड़ा में नहीं जाएगा झुंझुनू में रहेगा उन्होंने लिखित में दी थी जब हमने आंदोलन किया था हमने आंदोलन किया था तब लिखित में दी थी तो क्या दिक्कत आ रही है नहीं नाम तो यहाँ भी आयो कि गुड्डा को तो नीम का थाना का नहीं कोई चर्चा ही गुंचा लगी अयम भी बोलिया तो लेकिन चर्चा भी चली चली को नहीं तो एक मिनट बियाली भाषा में बोला अजय वो चाहूँ तो चर्चा चलती भी और जातो भी रहते भी को नहीं पर वो कदम सही को नहीं
कि गुड़ो नीम का थाना में भाई यह भी कही कि मोदी तो एक विधायक है, मैं मंत्री हूँ, नीम का थाना जिला बनेगा ही नहीं, वो बनको से काम होगा ध्यान कड़ी सीख सच्ची मानोगा थे आप बताओ बीजेपी का समर्थन है तो मैं भाई साहब ने चौधरी ने अगर टिकट नहीं मिलेगी तो भी बीजेपी का ही रोका गया समर्थन कांग्रेस और बसपा में गए तो बसपा में गए, मैं तो खुल गया कांग्रेस समर्थक अच्छी बात है बीजेपी का बीजेपी निर्दलीय हूँ पर कह रहे कांग्रेस हूँ जयमण की मार्च लेकर उठाओ चुला गुड्डो है ना वो बीच पर भी छाप मार दे वो दिन भी मैंने टिकट ले ना कि ये पिकअप की टिकट है वो बोल देगा 300 बिल सापड़ जाओगे छोटो और वाह अरे ये कह रहे अगर तो 900,000 वोट आएगा वो आऊंगा और वोट बंडी का पहले चुनाव की बात है कौन बुद्धि आऊंगा बुद्धि के